And with great power, there must also come great responsibility. हाँ तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं जब स्पाइडरमैन ने खुद अपनी आंट मे को मार दिया था जान से, और उसके बाद उसने आंट मे को खा भी लिया था। और यार यहाँ तक कि इससे भी ज़्यादा बदतर चीज़ स्पाइडरमैन ने कर चुका है इस कॉमिक में। तो यार आप वीडियो के एंड तक बने रहना इस सारी चीज़ जानने के लिए। हाँ तो भाई लोग, इस कहानी की शुरुआत होती है स्पाइडरमैन से। हमेशा की तरह इस बार भी जो अपना स्पाइडरमैन है वो न्यूयॉर्क की गलियों में अपने वेब्स के सहारे स्विंग कर रहा होता है, झूल रहा होता है। तभी वो देखता है कि जो अवेंजर्स हैं वो एक कैरेक्टर एस विलियम के साथ लड़ाई कर रहे हैं, और ये एस विलियम है, इसके एक हाथ में चेनसो है और एक हाथ में शॉर्ट गन है, और एस विलियम इविल डेड फ्रेंचाइजी का मेन कैरेक्टर है। और यार हम सब ने अपने बचपन में कभी ना कभी इविल डेड की मूवीज तो देखी ही हैं, और यहाँ पे मार्वल ने भी इविल डेड और मार्वल यूनिवर्स का क्रॉसओवर दिखाया है हमें इस कॉमिक बुक में। तो यार खैर अपनी स्टोरी में वापस आते हैं। स्पाइडी अवेंजर के पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ यहाँ पे। तभी कर्नल अमेरिका अपने स्पाइडरमैन को ऑर्डर देते हैं कि तुम जाके एस विलियम्स को पूरी तरह से बांध दो अपने वेब से, ताकि वो हिल विल ना पाए। और स्पाइडरमैन वैसा ही करता है, वो एस विलियम को पूरी तरह से बांध देता है और उसे जेल ले जा रहा होता है। उसके बाद कि रास्ते में ही एस विलियम बता रहा होता है अपने इनक्रेडिबल जर्नी का, रहे हैं कि कैसे वो अपने वर्ल्ड से इस वर्ल्ड पे आ गया। वो बता रहा था कि जब वो गेट्स ऑफ हेवन में खड़ा था, जब एस विलियम स्वर्ग के दरवाजों पर खड़ा था, तभी वहाँ पर एक जोम्बी फैट सेंट्री आता है जो कि पूरी तरह से जोम्बी बन चुका है, और वो आके एक पंच मारता है एस विलियम्स को, जिसकी वजह से जो एस विलियम है वो आके इस वर्ल्ड में गिर जाता है। और उसके बाद अवेंजर्स मिलते हैं, मतलब हमें पता आगेगा। और ये सब बता ही रहा है तभी जो सेंट्री है जो कि पूरे से जॉम्बी बन चुका है वो यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे आके जो जितने अवेंजर्स थे उनको भी जॉम्बीज में बदल देता है। मतलब यार यहाँ पे कैप्टन अमेरिका की जगह जो कर्नल अमेरिका है वो हॉकाई, ल्यूक केज, मिस मार्वल, ब्लैक विडो सभी जॉम्बीज बन चुके हैं। अब यहाँ पे सारे के सारे अवेंजर्स को जॉम्बीज में बदलता हुआ देखकर जो अपना स्पाइडरमैन डर जाता है, वो सोच रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है। तभी जो कर्नल अमेरिका जो कि जॉम्बी में बदल चुके हैं वो हवा में जंप करते हैं, और जंप करके स्पाइडरमैन के शोल्डर पे काट लेते हैं, जिस वजह से स्पाइडरमैन के हाथ से एस विलियम्स गिर जाता है नीचे, और वो जॉम्बी अवेंजर के सामने जाके गिर जाता है, और अपना स्पाइडरमैन की भी क्रैश लैंडिंग हो जाती है, वो भी नीचे आके गिर जाता है। और अपना स्पाइडरमैन इन्फेक्टेड हो चुका है कर्नल अमेरिका की वजह से, और वो नीचे गिरते हॉकाई की तरफ जंप करता है और हॉकाई को पकड़ लेता है, दबोच लेता है, और वो बाकी अवेंजर को धमकी देता है अगर किसी ने भी एस विलियम्स को हाथ भी लगाया तो मैं हॉकाई का ब्रेन खा लूंगा, मैं इसका भेजा चबा जाऊंगा, जिससे कि बाकी अवेंजर्स डर जाते हैं और घबरा जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें किसी भी जॉम्बी का ब्रेन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पहली बार जॉम्बी टेस्ट में बहुत ही बेकार होते हैं तो तुम्हारा मुंह गंदा हो जाएगा, और दूसरी बात अगर तुम किसी का ब्रेन खा लोगे किसी भी जॉम्बी का तो कम्प्लीटली मर जाता है, और तुम नहीं चाहोगे कि हॉकाई तुम्हारी वजह से मर जाए। तो स्पाइडरमैन समझ नहीं पा रहे कि ये कैसी बकचोदी बातें कर रहे हैं। वो बोलता है कि मैं एस विलियम्स को यहाँ से लेके जा रहा हूँ, मुझे इससे और भी पूछताछ करनी है, और अपने जालों से एस विलियम्स को पकड़ता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और हाँ, एस विलियम्स अभी बंधा हुआ है, और फिर एक छत पर जाकर स्पाइडरमैन लैंड करता है और वहाँ जाकर एस विलियम्स को खोल देता है कि उससे पूछने के लिए कि चल क्या रहा है, जॉम्बीज बन कैसे रहे लोग। तभी मौका मिलता है एस विलियम्स स्पाइडरमैन की जॉ पे एक पंच मार देता है, जिससे स्पाइडरमैन की जॉ थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, लेकिन स्पाइडरमैन समझा रहा है कि मैं अभी इंसान ही हूँ, मैं जॉम्बी नहीं बना हूँ अभी तक। और कुछ टाइम बाद एस विलियम्स को यकीन आ जाता है स्पाइडरमैन के ऊपर कि अभी भी स्पाइडी जो है इंसान ही है, और वो दोनों फिर शहर को देखते हैं कैसे शहर पूरा बर्बाद हो रहा है। फिर स्पाइडरमैन को रियलाइज़ होता है कि जिस शहर को बचाने के लिए उसने कसम खाई थी अपने आप से, वो शहर उसी की आंखों के सामने जल रहा है, बर्बाद हो रहा है। जो हीरो जो कभी लोगों की मदद क्या करते थे वह उन्हीं लोगों को खा रहे हैं, और अब वो चाह के भी शहर के लिए कुछ नहीं कर सकता है। तभी उस आंट में और मैरी जेन का याद आता है, वो अपने घर जाने के लिए निकल जाता है वहाँ से, और एस विलियम्स उसी छत पे छूट जाता है। और फिर स्पाइडरमैन घर पहुँचता है और देखता है कि मैरी जेन और आंट में अभी सेफ है, उनके ऊपर कोई भी खतरा नहीं आया है, पर स्पाइडरमैन को पता नहीं है कि वो खुद अब एक खतरा है उन दोनों के लिए। पीटर उन दोनों से कहता है कि उन दोनों के शहर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ का जो खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है शहर में, और इतनी देर में पीटर के शरीर में भी ज़ॉम्बी वायरस काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। पीटर के शरीर में दर्द होना शुरू हो गया है, वो दर्द सिर्फ भूख की वजह से है, और ये भूख कभी भी शांत नहीं होने वाली है। पीटर को दर्द से तड़पता हो देखकर एमजे आती है और पूछती है, क्या हुआ तुम इतना दर्द से तड़प क्यों रहे हो, क्या तुम्हें कहीं लगा है? तभी एमजे पीटर का मास्क उतारती है और देखती है कि जो पीटर का जॉ है वो काफ़ी ज़्यादा डिसलोकेटेड हो चुका है, और पीटर का जॉ सड़ने लगा, जैसे सड़ा हुआ मांस सड़ता है, उससे बदबू आ रही है। और इतने में देख के एमजे डर जाती है सब देख के, और तभी पीटर एमजे के ऊपर हमला कर देता है एक जानवर की तरह, और एमजे को खाने लग जाता है। और एमजे की चीखें सुनकर आंट में भी दूसरे कमरे से आ जाती है, वो एमजे को छुपने के लिए कहती है। तभी जो पीटर है वो आंट मे के ऊपर भी हमला कर देता है, और अब पीटर आंट मे को भी खाना शुरू कर देता है। और तभी जब पीटर ने एमजे को खाया था तो एमजे भी जॉम्बी बदल गई थी, और एमजे भी आंट मे को खाने के लिए आ ही रही थी। तब पीटर फिर से एमजे पे हमला करता है, वो एमजे को पूरी तरह से खा लेता है, कुछ बचता ही नहीं है, और वो फिर से आंट मे के ऊपर हमला कर देता है, और वो आंट मे के नेक पे काटता है, उसका पूरा मांस निकाल लेता है वहाँ का, और फिर आंट मे का सर पकड़ के उस धड़ से अलग कर देता है, मतलब और सर के साथ हमारी स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी हुई होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है जुड़ी हुई होती है। तो आंट मे के जो सर होता है उसके साथ जो पूरी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो भी बाहर आ जाती है, क्योंकि काफ़ी आर रेटेड सीन है, आपको ये नहीं पढ़ना चाहिए अगर आप एक बच्चे हो तो। और अब पीटर पूरी तरह से आंट मे को खा लेता है, सर, पैर, हाथ, नाखून, सब कुछ खा लेता है, कुछ भी नहीं बचता है आंट मे का भी। और एक और बात,
जब वो आंट मेरे को खा रहा होता है तो पीटर के आंख में आंसू भी आ रहे होते हैं, क्योंकि जॉम्बी बनने के बाद जो पीटर की कॉन्शियसनेस है वो पूरी तरह से गई नहीं थी। उसे पता है कि आंट में और मैरी जेन उसकी इकलौती फैमिली है इस पूरी दुनिया में, पर फिर भी उन दोनों को खा रहा है अपनी भूख की वजह से। तो पीटर को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है और ये एक ऐसा गिल्ट बन गया उसके मन में जो कभी जाने नहीं वाला उसके दिमाग से। आंट में और मैरी जेन को खा लेने का पीटर गिल्ट के साथ वहाँ से चला जाता है और फिर दिन के एंड में पीटर अपने बॉस जे जोना जेमसन को भी खा लेता है। अपने ही बॉस को खाते हुए पीटर को रियलाइज़ होता है कि उसका बॉस जे जोना जेमसन कभी भी गलत नहीं था स्पाइडरमैन को लेकर। उसके बॉस को लगता था स्पाइडरमैन एक खतरा है समाज के लिए, और जब पीटर खुद अपने बॉस को खा रहा होता है तो उसे रियलाइज़ हो जाता है कि जो जे जोना जेमसन है हमेशा सही था स्पाइडरमैन को लेकर, अब स्पाइडरमैन वाकई में खतरा बन चुका है समाज के लिए। और इतना सब करने के बाद जे जोना जेमसन को खाने का जो पीटर की भूख है कुछ समय के लिए शांत हो जाती है, क्योंकि अब जो उसने ये पाप कर दिया है कभी मिटने नहीं वाला है भले वो कितनी भी अच्छाई क्यों ना कर ले। और फिर पीटर अपने आप से ही कह रहा होता है जो उसकी फैमिली है, जिसे फैमिली कहा करता था, जो उसके अपने लोग थे वो सब जा चुके हैं, क्योंकि उसने अब खुद उन सबको मार दिया है और अब उसके लिए कोई भी नहीं बचा है इस दुनिया में। और पीटर कह रहा होता है कि वो शायद एक हीरो तो कभी भी नहीं था, क्योंकि एक हीरो कभी भी अपने ही परिवार वालों को नहीं मारता है, एक हीरो कभी मासूमों को नहीं मारता है, पर इस पीटर ने ऐसा किया है तो वो पहले की तरह कभी भी नहीं बन पाएगा एक ऐसा हीरो जिसे लोग पसंद किया करते थे। और पीटर को अपने आप से अब घिना गए यहाँ पे, वो टूट चुका है अंदर से, भले वो एक ज़ॉम्बी है पर उसके अंदर अभी भी कॉन्शियसनेस है, तो वो रो रहा है बैठ के। और यार ये वीडियो मैं ही ख़त्म करता हूँ, अभी आगे की बहुत सारी कहानी बाकी है जिसे मैंने वीडियो में कवर नहीं किया है, पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो मैं अगला पार्ट ज़रूर बनाऊंगा इसका। आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता ही है और अपने दोस्तों का वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए आ गए तो यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे वीडियो रेगुलरली डालते रहते हैं।